हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज मेरा कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि एक मोती का माला होना चाहिए, तब तो और भी बिजोड़ लगता है। शायद अभी नहीं है, खैर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है कुछ मेरा ड्रेस, ऐसा नॉर्मल ड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है फाइनली आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि रंजना का कोई मेकअप ब्लॉग वैसे तो कुछ खास सूट नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कैसे वो रेडी हुई है। आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। तो ये ड्रेस जो है, ये आप लोगों को पता, मैं बता दूं कि पहले का ही ड्रेस है, कुछ नया ड्रेस नहीं है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं अंशु को लाने के लिए भी, तो वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत चेंजेस जो है, अब ये रंजना सोच रही है अपना बाल को चेंज कराने का। खैर अभी आप लोगों को दिखाते हैं लुक, और आप लोग खूब सारा कमेंट की दीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। लव यू। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अचानक से नजर पड़ा तो इनका मेकअप बॉक्स, कम जगह के लिए हम लाए हैं भाई, टिफिन बॉक्स, मेकअप बॉक्स है मेरे पास, ऐसा बात नहीं। अचानक से नजर पड़ा है तब डिलीट करो। नहीं तो ये अजीब हमको लगा नाग छुपा के रखी है, पता चल रहा उसमें सब है। चलिए, और यहाँ पे बुआ रेडी हो चुकी है सबसे पहले। इसको हटा दिया पीछे, इधर आ रहे तो उधर कर। शाम का वक्त हो गया और मैं बजरंगबली को बोला था कि बारिश नहीं होना चाहिए, तो आज देखिए बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं बहुत मानते हैं हमको। यहाँ पे मौसी भी आ गई है, कैसा लग रहा है मौसी है? ठीक लग रहा है। सब लोग अब तो चाहेगा धीरे धीरे करके। अब उसका शादी कब हो रहा है छोटी का? ठीक होगा तभी होगा। कब होगा उसका शादी? बढ़ गई है आप ना, मेरे ही साथ की है तो छोटी है, पर जब आती थी तो अब बड़ी हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद शादी हो जाएगी। और यहाँ पे मंदिर है कुछ ऐसा, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ओह माय गॉड। तो गाइस यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग लोग देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये सब लोगों का अलग अलग हेयर स्टाइल हुआ है और एकदम मस्त। पहले ये बंधा हुआ था उतना बढ़िया नहीं लग रहा था, अभी खुल गया है तो अच्छा लग रहा है। और ये है कुछ साड़ी ऐसा, कितना प्यारा लग रहा है एक कलर इन पे जो सुबह वाला साड़ी वो भी एकदम मस्त लग रहा था। ये जब यंग थी तो बवाल मचा रहती थी, मतलब इतना ज्यादा हीरोइन थी। तो सारा लोग बवाल मचाता है, बूढ़े होने पर कौन किसको देखता है। शीशा सच बोलता है ना, यही शीशा गाइस, पहले कभी कुछ और दिखाता था, अभी कुछ और दिखा रहा है। और कुछ साल के बाद कुछ और। बेटी भी जो है अंकिता, अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो अब जब पूरा रेडी हो जाएंगी, अब तो रेडी हो ही गई है, अब निकलने वाले हैं लोग, और रात भर बुआ वहीं पे रहेंगी, गीत उत गाएंगी, पहनाएंगी वो पूड़ी उड़ी सब ना। हाँ समझी जी रहे हैं। तो प्यारा लग रहा है अंगूठी, अरे गला में कभी मस्त लग रहा है इनका। एक सेकेंड। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं अपना ड्रेस चेंज कर ली हूँ, और अब बारी है बारात के लिए हम लोग को रेडी होना है, क्योंकि अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, तो मैं बोली कि पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जा रहे हैं, थोड़ा फेस वॉश वगैरह कर लेंगे, मेकअप रिमूव कर लेंगे, उसके बाद रेडी होंगे। तो यहाँ पे आई है हमारी ननद, जो कि हमारी एकदम छोटी सी है, प्यारी सी। तो ये हमको कल बोली थी कि भाभी हमको कल पार्टी में आप रेडी कीजिएगा, लेकिन हम मतलब कि ये है, पंखा बंद कीजिए ना, ये है कि हम मतलब कि कल इनको दे रहे थे, बोले थे कि बनी आपको ये क्लिप लगाइएगा, इसमें से मैं आपको दूंगी, आपको यही लगाना है। तो आज मेरे पास आई है, हमसे बोल रही है कि भाभी आप इयरिंग और क्लिप हमको दे दीजिएगा, और मेरा मेकअप आप कीजिएगा, अगर टाइम मिलता है तो मैं इनको मेकअप कर दूँगी, पार्टी मेकअप अच्छे से, और नहीं तो फिर देखते हैं। बोले कि भाभी और कुछ कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, लेकिन मेरा आई लाइनर ज़रूर लगा दीजिएगा। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हाँ आपका लगा दूँ। आपको ये वाला चाहिए? तो अभी इनको जो पसंद है मैं दे रही हूँ, और अपने पास रखिएगा ठीक है, और इसको हमेशा नहीं लगाइएगा। और इसको कैसे लगाना है पता है ना? लीजिए।
और इयरिंग है ना, तो इयरिंग अब देते हैं इनको। तो गाइज मैं यहाँ पे भूल गई थी फेस पाउडर लगाना, आईब्रो सेट कर ली लेकिन ये फेस पाउडर मैं नहीं लगा पाई। इसको अब मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। होता है जब मेकअप करो ना तो कभी कभी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है इंसान, इसलिए ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा ही लगा। और गाइज मेरा मेकअप ऐसा है कुछ। तो अब यहाँ पे बारी है आई शेडो लगाने की। जा ये खुल गया, इस पे क्लिप लगाएंगे। जी बुआ जी। बुआ जी। तो यहाँ पे अब बारी हाइलाइटर लगाने की। और अब लगाएंगे जल्दी से ब्लश। और बाकी पीछे चाची जी भी और दीदी रेडी हो रही हैं। लो कहीं ज़्यादा लग रहा है क्या? नहीं वैसे भी। तो अब यहाँ पे बारी है आई शेडो लगाने की। जा ये खुल गया, इस पे क्लिप लगाएंगे। जी बुआ जी। बुआ जी। तो यहाँ पे मेरा ब्लश हाइलाइटर लगा चुके हैं। ज़्यादा तो नहीं लग रहा, नहीं ज़्यादा नहीं लग रहा, बट ठीक है इतना तो चलेगा। और ये मेरे हाथ में रंग लगा हुआ है क्योंकि मैं बुआ जी को कलर कर रही थी पैर, तो वो लग गया। ठीक है। और बाकी अभी बुआ जी लोग भी आ गई हैं, सब लोग रेडी हो रही हैं। और बुआ जी को अभी लुक एकदम एक से एक देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब बारी आई लाइनर लगाने की। अभी तो अभी शुरू किया है टाइम बगाड़ा। तो यहाँ पे लग चुका आईलाइनर। तो अब यहाँ पे बारी है लिपस्टिक की, तो इसको भी जल्दी से लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कुछ छूट गया था आई पे। ये वाला सेट मेरे पास नहीं था तो मैं दीदी से मांगी। हो गया। तो अब यहाँ पे लगा रहे मस्करा। आपका तार डायरेक्ट लगाइए बोर्ड में, निकाल दीजिए चार्जर। तो सारा मेकअप होने के बाद अब जो लास्ट स्टेप रहता है वो है मेकअप फिक्सर, तो मैं इसको अच्छे से फिक्स कर ले रही हूँ।
ज्यादा नहीं लगाएंगे तो हाँ। अभी ये पूरा हो चुका है, ये रहा मेरा लुक। कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना जरूर। तो यहाँ पे मेरा मेकअप तो हो चुका है, लेकिन अब बारी थी चूड़ी लगाने की। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि जल्दी जल्दी चूड़ी का मैचिंग कर पहले चूड़ी का सेट लगा कर पहन ले, उसके बाद कुछ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चूड़ी, जो कि मेरा लहंगे का ही सेट है ये भी। तो गाइस अनुष्का जो है बोल दो, आपको जो यूज करना वाली कीजिए और उसके बाद सामान जो जैसे निकाली सब उसी में रख दीजिए, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा, ये मेरा फाइनल लुक। आप लोग कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। लड्डू नो बोल। और अभी बस मुझे थोड़ा सा हेयर स्टाइल करवाना है और ये दुपट्टा ड्रेपिंग अच्छे से नहीं, तो बस मुझे थोड़ा सा हेयर स्टाइल में चेंजेस करवाना है। तो वो मैं सोची हूँ कि अभी बनी को लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे करवा लेंगे। और बाकी ये रहा मेरा लुक, और ये जो तो दुपट्टा ड्रेपिंग हुआ है ना ये उतना अच्छे से हो नहीं पाया है, तो ये सब मैं जाकर वहाँ करवा लूँगी। बाकी मैं खुद से ही रेडी हुई हूँ। आप लोग कमेंट बताइए कैसा लग रहा है। हेयर स्टाइल मैं कर लेती लेकिन पता है मतलब कि मैं कर रही थी मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रहा था, और मुझे थोड़ा सा चाहिए था जूड़ा बनाना तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जा रहे वहाँ पे बनवाएंगे, फिर अपना फाइनल लुक दिखाएंगे। तो अभी तो ये बस कुछ सिंपल सा हो गया है, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा बस मेकअप नहीं, थोड़ा सा बस हेयर स्टाइल मुझे करवाना है, उसके बाद फिर आप लोग को यही मेकअप रहेगा। तो बस उसके बाद आप लोग को पूरा फुल लुक दिखाएंगे। तो गाइस आप लोगों को लगता होगा कि मैं जो भी सूट करता हूँ सारा जितने भी गर्ल्स लोग होते हैं उसके बीच में, क्योंकि ये जो सूट करती हैं ना कुछ सूट हुआ नहीं, जितना भी मेकअप का ब्लॉग ये सूट की थी उसमें से सारा उड़ चुका है। इस वजह से क्या है ना कि मुझे करना पड़ता है, तो यही रीज़न है कि मुझे सूट करना पड़ जाता है तो मैं ही दिखता हूँ उसमें उस पूरे भीड़ में। अभी जो खैर आप लोग वो शायद बाबू डिलीट किए ना, तो मेरा शुरू से लग रहा ना कि वो गलती से वो कर दिए, तो पूरा कर देते ना। नहीं खैर जो भी है गलती जिसका भी हो, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि आप लोग खूब सारा प्यार देंगे। और ये है कुछ हेयर स्टाइल, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा उसमें जो है वो अंशु यानी हमारी दुल्हन पूरा बन के मैं जा रहा हूँ लेने, पूरा तैयार हो गई होंगी और हम लोग दोनों भैया और भाभी पहुँच रहे हैं उनको पिक करने के लिए। तो खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा और आज का दिन जो है वो अच्छा से गुजर जाए, अच्छे से मतलब वो दुल्हन के रूप में चले जाए, बारिश भी नहीं हो रहा है जैसा हम बोले थे। खैर लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।